वेलकम टू माई चैनल। टुडे आई एम टेलिंग यू चैप्टर 9 ऑफ क्लास 7th एनसीईआरटी सॉल्यूशन एंड एलियन हैंडबुक अ टाइगर इन द हाउस। बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर, इफ यू आर न्यू ऑन माई चैनल सो प्लीज सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन ऑफ माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर। सो लेट अस स्टार्ट विद मेन पॉइंट। First main point is grandfather finds a tiny tiger cub in the forest and bring him home. Second point is grandmother calls him Timothy and bring him up like a human child. Third main point is Timothy is playful and naughty. His companions are Toto, the monkey, a puppy and other member of the household. So, सबसे पहला मेन पॉइंट हमें बताया हुआ है कि जो ग्रैंडफादर यानी जो दादाजी थे उनको एक टाइगर कब यानी टाइगर का एक छोटा सा बच्चा मिलता है फॉरेस्ट के अंदर और वो उसे घर ले आते हैं। जो ग्रैंडमदर होती है यानी कि ग्रैंडफादर दादाजी की जो वाइफ होती है दादी जी, वो उसका नाम रखती है टिमोथी, दैट इज़ प्रनाउंस एज लाइक टिमोथी। उसको बुलाती है ये कहकर कि उसका ये नाम निकालती है वो, और उसको वो एक बच्चे की तरह, ह्यूमन चाइल्ड की तरह, मानव के बच्चे की तरह, इंसान के बच्चे की तरह उसे बड़ा करती है टिमोथी को। आगे बताया गया है कि जो टिमोथी होता है वो बहुत ही प्लेफुल यानी बहुत ही जो खेलने वाला जानवर होता है वो, और नोटी यानी नटखट होता है। हिज कंपेनियन यानी उसके जो दोस्त थे, उसके साथी भी कह सकते हैं, वो थे टोटो और जो कि एक मंकी था और एक पपी, और भी लोग घर के जो सदस्य थे वो उसके कंपेनियन थे टिमोथी। सो लेट अस बिगिन विद द चैप्टर। सो Timothy, the tiger cub, was discovered by grandfather in the Tirai jungle near Dehra. One day when grandfather was strolling down the forest path at some distance from the rest of the party, he discovered a little tiger about 18-inch long hiding among the intricate roots of a banyan tree. Grandfather picked him up and brought him home. He had the distinction of being the only member of the party to have bagged any game, dead or alive. सो इट मीन्स जो टिमोथी था वो एक टाइगर का बच्चा था। इसने ये हमने मेन पॉइंट में पढ़ा कि फिर जो ग्रैंडफादर थे उनको वो मिला था। कहाँ मिला था? ही वॉज फाइंड इन टिराई जंगल, एक जंगल है जिसका नाम है, यहाँ पे बताया गया है जो जंगल था उसका नाम था तराई, जो कि है देहरादून में। एक दिन जब ग्रैंडफादर, अब वो उनको कैसे मिला वो बताया गया है कि जब एक दिन ग्रैंडफादर टहल रहे थे जंगल के अंदर तो अपने दोस्तों से या फिर ये भी कह सकते हैं अपने दल के कुछ सदस्यों से यानी कि अपनी पार्टी के कुछ सदस्यों से थोड़ी सी दूरी पर थे तो उन्हें एक 18 इंच बड़ा एक टाइगर का बच्चा प्राप्त हुआ यानी कि मिला। हाइडिंग अमंग द इंटरक्रेट, जो कि बनियन ट्री की तो आपने लंबे लंबे रूट्स देखी हुई है, उनके अंदर फंसा हुआ था। ग्रैंडफादर ने उसे जल्दी से उठाया और उसे घर ले आया। और इसमें ये बताया गया है कि जो टिमोथी था, जो टिमोथी उनको पाया गया था, किसको पाया गया था? वो ग्रैंडफादर को। तो जो ग्रैंडफादर थे वो अपने पूरे दल के सदस्यों में सिर्फ एकमात्र ऐसे सदस्य थे जिन्होंने कोई भी शिकार नहीं किया, लेकिन उनको एक टाइगर का बच्चा मिला या फिर उनके दल में किसी ने भी आज तक ऐसा इसमें भी बताया गया था, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये दल में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसने शिकार करके कोई मरा हुआ या फिर जीव जानवर उसको पाया था। लेकिन एट फर्स्ट द टाइगर कब हु वॉज नेम टिमोथी बाय ग्रैंडमदर वॉज ब्रॉट अप एंटायरली ऑन मिल्क गिवन टू हिम इन अ फीडिंग बॉटल बाय अवर कुक महोद, बट द मिल्क प्रूव्ड टू रिच फॉर हिम एंड ही वॉज पुट ऑन अ डाइट of raw mutton and cod liver oil to be followed later by a more tempting diet of pigeon and rabbits. इसमें हमें बताया गया है कि सबसे पहले जो वो टाइगर का बच्चा था उसका, जिसका नाम टिमोथी रखा गया था ग्रैंडमदर के द्वारा, यानी रखा था ग्रैंडमदर ने उसका, सबसे पहले तो जो महोद वहाँ का कुक था उसने एक बॉटल में जो मिल्क होता है उससे उसको पिलाना शुरू किया, बड़ा करना थोड़ा सा। लेकिन
वो जो उसको मिल्क दिया जा रहा था वो उसको हजम नहीं हो रहा था, तो उसको एक डाइट दी गई जिसके अंदर उसको रो मटन और जो मछली के अंदर का तेल होता है वो, एंड उसको पीजन और रैबिट्स के टेम्पेटिंग डाइट कराई गई जिससे कि उसको थोड़ा अच्छा लगे और उसका खाना हजम हो जाए, बिकॉज उसको दूध हजम नहीं हो रहा था। आगे है, टिमोथी वॉज प्रोवाइडेड विद टू कंपेनियन, टू टो टोटो द मंकी हु वॉज बोल्ड इनफ टू पुल द यंग टाइगर बाय द टेल एंड देन क्लाइंब अप द कर्टेन। इफ टिमोथी लॉस्ट हिज टेम्पर एंड अ स्मॉल मर्गिल पपी फाउंड ऑन द रोड बाय ग्रैंड फादर। तो इसमें बताया गया है कि उसके जो कंपेनियन थे, इसमें बताया गया है ही हैज टू कंपेनियन, वन वॉज टोटो एंड द अदर वन वॉज पपी। वी हैड लर्नड इट ऑल्सो इन द मेन पॉइंट। सो इसमें बताया गया है कि जो मंकी था टोटो, वो तो इतना शैतान था कि वो उसकी पूँछ पकड़ के खींच लेता था जो बाघ का बच्चा था टिमोथी उसका, और तब टिमोथी अपना टेम्पर यानी कि तब उसे गुस्सा आ जाता था टिमोथी को, तो वो बंदर जाकर पर्दों को खींचने लग जाता था। आगे आता है कि जो एक और जो उसका कंपेनियन होता है एक पपी, वो ग्रैंडफादर को एक रोड पे मिला था, जैसे एक टिमोथी बनियन ट्री के वहाँ पे मिला था, ऐसे ही वो एक पपी उनको एक रोड पे मिला था, तो वो उसे घर ले आए। एट फर्स्ट टिमोथी अपीयर टू बी क्वाइट अफ्रेड ऑफ द पपी एंड डार्ट बैक विद अ स्प्रिंग इफ इट केम टू नियर। इसमें बताया गया है कि सबसे पहले तो थोड़ा सा डरता था टिमोथी उस पपी से, लेकिन तो बताया गया है ये अब डरता था, और उसके बाद क्या करता था, अगर वो पपी उसके थोड़े से पास आता था तो उछल के पीछे चला जाता था, एंड एट नेक्स्ट ही वुड मेक अ सर डैशेज एट इट विद हिज लार्ज फोर पोज एंड देन रिट्रीट टू अ रिडिशलियस सेफ डिस्टेंस। फाइनली ही अलाउड द पपी टू क्रॉल ऑन हिज बैक एंड रेस्ट देयर। बताया गया कि तो वो थोड़ा सा बड़ा हुआ तो अपने आगे वाले पंजों से उसको थोड़ा डराने लगा, उसको तब उसको डर लगता था तो अपने डर छिपा के पहले उसको अपने आगे वाले पंजों से झपटता था और फिर अपने आप को सुरक्षित महसूस करता था। और बाद में थोड़ी सी दिनों बाद में वो पिल्लों को, जो पिल्ले थे जो पपीज थे, उनको अपनी पीठ पर रहना, रेंगने क्रॉल यानी रेंगना, और वहाँ पर रेस्ट यानी वहाँ पर विश्राम करना, जब वो विश्राम करते थे उसको उनको करने देता था। वन ऑफ टिमोथीज फेवरेट अम्यूजमेंट्स वॉज टू स्टॉक एनी वन हु वुड प्ले विद हिम, एंड सो वैन आई केम टू लिव विद ग्रैंड फादर आई बिकेम वन ऑफ द टाइगर्स फेवरेट विद अ क्राफ्टी लुक इन हिज ग्लिटरिंग आईज एंड His body scorching, he would creep closer and closer to me, suddenly making a dash of my feet, strolling over on his back and kicking with delight and pretending to bite my ankles. तो इसमें आगे हमें बताया गया है कि जो टिमोथी था उसका सबसे जो मेन वर्क और उसको जो अच्छा काम लगता था, वो जो भी उसके साथ खेलता था वो उसको परेशान नहीं, उसके साथ खेलना पसंद करता था, तभी आता उसके पीछे भागना और उसके साथ खेलना पसंद करता था। और वो जो इसके राइटर बताते कि तब मैं अपने दादाजी के पास आया तो मैं सबसे ज़्यादा फेवरेट बन गया था उस टिमोथी टाइगर का, यानी टाइगर के बच्चे का, बिकॉज मैं उसके साथ खेलता था। मतलब वो जो राइटर होता है वो बताता है कि वो उसके साथ खेलता था और वो उसके पास आता था बहुत, कभी कुछ नाटक करता था, कभी कुछ अपनी पीठ के साइड से वो लेट जाता था, रोलिंग हो जाता था, और कभी कभी तो ऐसे उसके एंकल्स को, घुटनों को खाने का वो करता था,
प्रिटेंडिंग यानी नाटक करता था ये सब करने का. आगे ही वॉज बाई दिस टाइम द साइज ऑफ अ फुल ग्रोन रिट्राइवर एंड वैन आई टुक हिम आउट ऑफ फॉर वॉक पीपल ऑन द रोड वुड गिव अस अ वाइट ब्रेथ वैन ही पुल्ड हार्ड ऑन हिज चेन आई हैड डिफिकल्टी इन कीपिंग अप विद हिम. हिज फेवरेट प्लेस इन द हाउस वॉज द ड्राइंग रूम एंड ही वुड make himself comfortable on the long sofa, reclining there with great dignity and snarling at anybody who tried to get him off. तो इसमें बताया गया है कि यहाँ से कि जो टिमोटी था वो राइटर बता रहा है कि तब मैं आया सब कुछ हो रहा था तो वो अपने फुल साइज ले चुका था अपना पूरा रियल आकार फुल ग्रोन हो चुका था. तो तब भी वो उसे शहर यानी वॉक के लिए बाहर ले जाता था शाम को या फिर सुबह. तो जो लोग होते थे रोड पे वो थोड़ा पीछे हट जाते थे और वो बताता है कि जैसे मैं उसको खींचता था उसकी चेन को तो मेरे लिए मुश्किल हो जाता था उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलना. उसको डिफ़िकल्टी होती थी उसके साथ चलने में बिकॉज वो इतना बड़ा हो चुका था और उसका फेवरेट प्लेस था घर के अंदर ड्राइंग रूम और वहाँ पर जो सबसे लंबा सोफ़ा था वो उस पर अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करता था और वो बड़े ही आराम से और शान से वहाँ पर लेटता था और जो भी उसे वहाँ से हटाता था तो वो उसके ऊपर गुर्राता था. टिमोथी हैड क्लीन हैबिट्स एंड वुड स्क्रब हिज फेस विद हिज पोज एक्चुअली लाइक अ कैट. ही स्लेप्ट एट नाइट इन द कुक क्वार्टर एंड वॉज ऑलवेज डिलाइटेड एट बींग लेट आउट बाई हिम इन द मॉर्निंग. जो टिमोटी था उसकी बहुत ही अच्छी अच्छी साफ सुथरी आदतें थी. वो अपने पंजों से अपने मुँह को साफ करता था अच्छे से बिल्ली की तरह बिल्कुल. और रात को वो कुक के जो हमने आगे पढ़ा था पहले पढ़ा था कि जो एक कुक था महोत जिसने इसे दूध पिलाया था पर वो दूध उसको हजम नहीं हो रहा था तो उसको दूसरी डाइट दी गई. उसके क्वार्टर में वो रहता था और वो बहुत ही डिलाइट यानी कि बहुत ही खुश होता था जब वो उसको सुबह बाहर निकालता था. आगे कंपैरिजन चेक है थोड़ा कंपैरिजन चेक कर लेते हैं कि ताकि हमें हमें पता चल जाए कि हमने जो किया है जो अभी पढ़ा है वो हमें अच्छे से याद हुआ कि नहीं. सो लेट अस बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन. ही हैड द डिस्टेंस of being the only member of the party to have bagged any game. So the answer is grandfather was the successful member of the hunting party. इसमें पूछा गया था कि हमें बताना है जो इटैलिक में वर्ड लिखा हुआ है इसका मतलब क्या. मतलब इस पूरे के अंदर इसका मतलब था जो ग्रैंडफादर थे वो ये कैसे सक्सेसफुल मेंबर थे अपनी हंटिंग पार्टी के जिन्होंने हंट किया था. आगे है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस. हमें ये सेंटेंसेस कंप्लीट करने हैं. सो टोटो क्लाइंब अप द कर्टेन वैन ये हमने पढ़ा था थोड़ा सा पीछे. सो हम ये देख पा रहे हैं ये है टेल एंड देन क्लाइंब अप द कर्टेंस. इफ टिमोटी लॉस्ट हिज टेम्पर सो द आंसर इज टिमोटी लॉस्ट हिज टेम्पर. सो वी हैव पुट देव. सो द आंसर इज टूटो क्लाइंब अप द कर्टेन व्हेन टिमोटी लॉस्ट हिज टेम्पर. एट नेक्स्ट डैश डैश आई बिकेम वन ऑफ द टाइगर्स फेवरेट. इसके आगे क्या था. इसके आगे था व्हेन आई केम टू लिव विद माई ग्रैंडफादर. आगे थर्ड है टिमोथी हैड क्लीन हैबिट्स. सो ये था ऑन पेज नंबर वेयर इज कंपेरिजन चेक एट टॉप. टिमोथी हैड क्लीन हैबिट. This is the paragraph and we had to pick out answer from this paragraph and the answer is Timothy had clean habit. He would scrub his face with his paws actually like a cat. So this was our today's topic. So next I will take the next chapter of Honeycomb and thank you for watching the video.